Okay, good morning students. So today we are going to do a tracing of a standing line. Standing line क्या होता है? For example, मैंने यहाँ पे क्या रखा है? Pen रखा है, इसको खड़ा किया है, okay? So this pen is standing, okay? This pen is standing. So today we are going to study about standing line, okay? Today we are going to study about standing line. अब सबसे पहला स्टार्ट करने के पहला लेट्स सी ये लाइंस है ये कौन से कलर्स के हैं. ओके सो नाउ आई विल शो यू द कलर लाइंस. ओके कैन यू सी दिस इज़ अ रेड कलर लाइन. ओके ये कौन सा कलर का लाइन है? दिस इज़ अ रेड कलर लाइन. दिस इज़ व्हाट कलर लाइन? दिस इज़ अ ब्लू कलर लाइन. देन वी हैव अगेन अ ब्लू कलर लाइन एंड देन वी हैव अ रेड कलर लाइन. ओके तो यहाँ पे फोर लाइन्स है हमारे, दैट इज़ रेड कलर, ब्लू कलर एंड अगेन रेड कलर. ओके तो आज हम क्या स्टडी करने वाले? वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल अ स्टैंडिंग लाइन. इसको हम नंबर वन भी बोलते हैं, बट फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इट एज अ स्टैंडिंग लाइन. क्या है ये? प्लीज रिपीट आफ्टर मी, दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके तो आप जब स्टैंडिंग लाइन आपका लिखोगे तो आपको क्या करना है? आपका जो पेंसिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू होल्ड द पेंसिल इन दिस थ्री फिंगर्स. ओके तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू प्लीज टेक द प्रैक्टिस of you know making students hold the pencil properly. okay so let's begin. सबसे पहला students आपको क्या करना है? you have to place your tip. okay ये जो आपका tip होता है pencil का उसको आप यहाँ पर रखना है, that is on the red color line. then you have to take it down till the blue color line. okay तो इसको आप क्या बोलोगे? standing line. okay again take it on a red color line and take this pencil down towards down, that is still blue color. okay this is a standing line. what is this? a standing line. standing line. let's do it again. standing line. standing line. standing line. देखो फिर से मैं आपको बताती हूँ आपने क्या किया है. आपने पेंसिल को रेड कलर पे रखा है, रेड कलर लाइन पे रखा है एंड वो पेंसिल को आपको नीचे ड्रॉ करना है, नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है. टेक इट डाउन 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 एंड देन एंड इट टिल द ब्लू कलर लाइन, जो नीचे का ब्लू कलर लाइन होता है उसे. ओके लेट्स डू इट अगेन. मैंने रेड कलर लाइन पे क्या किया है? पेंसिल को रखा है, मैंने डाउन किया. अभी देखोगे तो ये आपका फर्स्ट ब्लू कलर लाइन है, राइट? बट आपको इसके और नीचे करना है. सो टिल द सेकेंड ब्लू कलर लाइन यू हैव टू टेक इट. सो इट इज स्टैंडिंग लाइन. 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 ओके सो वॉट यू हैव टू डू, आपको ये पूरा पेज पे आपको ये होमवर्क दिया गया है कि जहाँ पे आपको यू हैव टू राइट स्टैंडिंग लाइन ऑन दिस पेज. ओके सो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू राइट द हेडिंग एज ट्रेसिंग दिस दिस सिंबल ऑफ स्टैंडिंग लाइन एंड यहाँ पे आप स्टैंडिंग लाइन लिख दो एंड यहाँ पे आज का डेट आप मेंशन करो एंड पेरेंट्स कैन राइट इन अ ब्लू पेन. आप ब्लू पेन में आपका फर्स्ट लाइन पे यू कैन ड्रॉ यू नो स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्टूडेंट्स कैन ड्रॉ टू स्टूडेंट्स कैन मेक द स्टैंडिंग लाइन एंड pencil on the other rest remaining lines. okay so I want students to send this homework to me today itself. okay thank you.